नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा कोलकाता देखोगे फिर से एक नया एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के कोलकाता डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में कोलकाता के कुछ फेमस हिस्टोरिकल और नामी मार्केट आपको दिखाएंगे, जहां पर आपको हर वो चीज मिल जाएगा जो शायद इंडिया में भी कहीं कहीं ना मिलता हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले आपको हावड़ा ब्रिज के ऊपर का नजारा दिखाते हैं और उसके बाद मेन जो मार्केट है हावड़ा ब्रिज के नीचे उसका नजारा आपको दिखाएंगे। हावड़ा ब्रिज के ऊपर से मार्केट कुछ इस तरह का दिखता है, ऐसा लग रहा है कि इंसानों का समंदर है। अभी जो आप भीड़ देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं, ये 20-30% भीड़ होगा। यहाँ पर जो असली भीड़ होता है वो सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना फूल मार्केट है। इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है पूरे डिटेल में, तो अगर आप चाहें उस वीडियो को देखना, इस मार्केट को एक्सप्लोर करना अच्छे से, तो आई बटन पर उस वीडियो का लिंक है उस पर क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से इजिली आप उस पूरे वीडियो को देखकर इस मार्केट को एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि यह फोटोग्राफी के लिए एक इनक्रेडिबल प्लेस है क्योंकि यहां बहुत सारा रंग है। ब्रिज के नीचे, ऊपर, रेलवे पटरियों के किनारे, मल्लिक घाट के आसपास और पूरे क्षेत्र में पाए जा सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा बुक मार्केट, कहा जाता है कि यहाँ आप जो भी बुक, जैसा भी बुक ढूंढेंगे वो यहाँ अगर नहीं मिला दुनिया के किसी भी कोने में आपको नहीं मिलेगी। अगर विश्वास ना हो तो यहाँ आकर आप आजमा सकते हैं। हम लोग आ चुके हैं बागरी मार्केट में और ये बहुत ही बड़ा मार्केट है। ये कैनन स्ट्रीट में है, जो कि आप ब्रबन रोड से लेफ्ट लेंगे तो ये मार्केट स्टार्ट हो जाता है। बस आप हमसे ये मत पूछिएगा कि इस मार्केट में क्या मिलता है भाई, क्योंकि इस मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं मिलता है। आपको जो चाहिए, आप जो ढूंढ रहे हैं, इस मार्केट में आ जाइए, आपको वो हर चीज मिल जाएगा। आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, मेडिसिन हो, कॉस्मेटिक का कोई भी आइटम, कुछ भी आप ढूंढिए, यहाँ हर चीज मिल जाएगा आपको। और बागरी मार्केट के ठीक अपोजिट है मेहता बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आपको हर चीज यहाँ पर मिल जाएगा। ये जो कैनन स्ट्रीट का जो ये रास्ता है, ये बहुत ही बड़ा रास्ता है और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट ही दिखेंगे, होलसेल रिटेल हर तरह के इसमें मार्केट भरे हुए हैं। और ये जो रास्ता है ये आपको हर वक्त हर समय ऐसे ही फाका मिलेगा, तो थोड़ा सोच समझ के अच्छे से आइएगा। आ चुके हैं हम लोग चितपुर मार्केट में। ये मार्केट जो है शादी से बहुत ही खास लगाव है इस मार्केट का, क्योंकि शादी से जुड़ी हुई जो भी चीजें आपको चाहिए पहनने के लिए वो सब यहाँ पर हमेशा उपलब्ध रहता है। तो इस मार्केट में अगर आप आते हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। इंटर कर चुके हैं कोले मार्केट, जो कि बिल्कुल सियालदह स्टेशन के बगल में है।
और ये है सूखी मछली। बहुत गंदा स्मेल कर रहा, सही बता रहे हैं। ये जितना भी आप देख रहे हैं सब सूखी मछली है। ये मार्केट बहुत ही बड़ा है और तो यही है वो असली खेल जिसके लिए कोले मार्केट फेमस है। तो भाई साहब, इसको उठाने के लिए देखिए 12 लोग लगे हैं इसको उठाने के लिए। आज पूरा चमकता हुआ लाल लाल दिखे। प्याज का गोडाउन, यहाँ सिर्फ प्याज ही प्याज है। ये मार्केट जो है जितना सोचे थे उससे कई गुना ज्यादा बड़ा मिला। हम लोग आ गए हैं बीबी गांगुले स्ट्रीट। ये जो स्ट्रीट है सिर्फ सोना चांदी का ही यहाँ पे आपको दुकान मिलने वाला है। दाएं बाएं जिधर भी देखेंगे सिर्फ और सिर्फ सोना चांदी बिक्री होता है यहाँ पर। लाल बाजार की तरफ बढ़ रहे हैं और यहीं पर है चश्मा का मार्केट। यहाँ आप दाएं बाएं जिधर भी देखेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ चश्मों का ही दुकान मिलेगा और यहाँ पर काफी सस्ते में आप चश्मा बना सकते हैं। इजरा स्ट्रीट लाइट मार्केट, यहाँ पर ऐसे ऐसे आपको लाइट दिखेंगे माथा खराब हो जाएगा कौन सा लें और कौन सा नहीं लें। बहुत ही एंटिक एंटिक बहुत ही स्टाइलिश लाइट यहाँ पर मिलती है और ये इलाका ये मार्केट पूरा लाइट्स का ही है। चितपुर मार्केट में, जो पहले मैंने आपको चितपुर मार्केट दिखाया था वहां पर आपको शादी से जुड़ी हुई कपड़े जूते ये सब मिलते हैं और ये जो मार्केट है ये पूरा जूते चप्पल का ही मार्केट है। होलसेल रिटेल सिर्फ आपको जूता ही जूता इस मार्केट में मिलेगा। अब आ गए हैं राधा बाजार में। ये जो लाल बाजार है जो कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर है उसके ठीक पीछे वाली गली है राधा बाजार स्ट्रीट। यहाँ पर घड़ियों की बौछार है, एक से एक एंटिक पीस जैसा भी आप ढूंढेंगे वो सारे घड़ी यहाँ पर मिल जाएंगे और जो ऑनलाइन या फिर अलग अलग दुकानों पर जो रेट मिलती है उससे काफी कम दामों पर आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अभी जो हम लोग चांदनी चौक में आ चुके हैं ये पूरा मार्केट है। आप इस मार्केट में किसी भी गली में चले जाइए, लेफ्ट राइट कहीं भी देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक चीजें ही दिखेंगे। आमतौर पर यहाँ पर काफी भीड़ हुआ करता है बट अभी गर्मी की वजह से ये जो हीट वेव चल रहा है इसके वजह से क्राउड थोड़ा कम है पर फिर भी लोग आपको इस मार्केट में अक्सर दिख ही जाएंगे। यहाँ पर काफी एंटिक एंटिक चीजें भी मिलती है जो देखकर आपका मन कर देगा ले लेने के लिए। यहाँ पर फैंस देखिए कितने अच्छे अच्छे क्यूट स्टाइलिश फैंस है। ये देखिए कितने बड़े बड़े स्पीकर्स बने हुए हैं और कितने स्टाइलिश है डिजाइन। देख रहे इस पे टाइगर लाइन ये सब डिजाइन बना हुआ है। बहुत बड़े बड़े स्पीकर है, ये बजते होंगे तो क्या ही कह ढाते होंगे। ई मॉल जहां से आज हम लोग सीपीयू कॉन्फ़िगर करवाने वाले हैं तो चलिए अब अंदर चलते हैं और दुकान ढूंढते हैं कहां से करवाया जा सकता है। ये बिल्कुल चांदनी चौक मेट्रो के बगल में ही है। अंदर का नजारा तो देख के माथा खराब हो जा रहा है भाई, जिधर देखो उधर दुकान ही दुकान और सारे दुकान एक से बढ़कर एक। बहुत कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा किस दुकान में जाए। अब इसमें से किसी में जाना पड़ेगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके किसी में एक में जाते हैं और फिर अपना देखते हैं क्या होता है। प्रधान मार्केट में इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन मैदान। ये बहुत ही बड़ा मार्केट है और यहाँ पर जो है काफी क्वालिटी वाले और स्टैंडर्ड सामान मिलते हैं। बार्गेनिंग आप खुल के कर सकते हैं, सामान जो है आपको एक से एक स्टैंडर्ड यहाँ पर मिलने वाला है। कोलकाता का सबसे बड़ा सू मार्केट पद्मपुकुर सू मार्केट। यहाँ आने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कमारडांगा हॉल्ट और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है पार्क स्ट्रीट। यहाँ पर चमड़े से बना हुआ हर चीज आपको मिल जाएगा, जूता बेल्ट बैग पर्स
बहुत सारे चीज मिलेंगे और सारे के सारे बहुत ही कम दाम पे, इतने कम दाम पे आपको मिल जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्वालिटी एक नंबर। हाँ, आपको ढूंढना पड़ेगा और मार्केट ये बहुत बड़ा है। यहाँ के घर घर में जूते चप्पल के फैक्ट्री लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर सामान काफी सस्ते मिलते हैं। पार्क एसी मार्केट करीब आ चुके हैं। करेंगे राजा कटरा मार्केट को। ये हावड़ा ब्रिज जैसे ही एंड होता है, वहीं बगल में ही राजा कटरा स्टार्ट हो जाता है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पूरा राजा कटरा बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग ही भूल भुलैया है। अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप अंदर जाकर कहाँ गुम हो जाएंगे, फिर आपको दूसरे का ही हेल्प लेना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। ये कोलकाता का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है, जो कि कभी महाराजा बर्दवान को बिलोंग करता था। मैक्सिमम जो स्मॉल वेंडर होते हैं वो यहीं से खरीदते हैं और यहां से खरीदने के बाद अपने लोकल दुकान पर जाकर बेचते हैं। ये पूरा एरिया में ऐसे ही पित्तल का ही सारा मतलब मूर्ति वोटी का दुकान मिलेगा। पथुरिया घाट स्ट्रीट जो रास्ता है वो नूतन बाजार को कनेक्ट करता है और इस रास्ते में आपको पीतल से बने हुए सारे सामान मिलते हैं। मूर्ति, बर्तन, हर चीज मिलता है पीतल का बना हुआ। अभी जो है हम लोग पोस्ता मार्केट में आ गए हैं। अब पोस्ता मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। कहा जाता है कि नरसिंह चंद्र राय के वंशजों को महाराजा सुखमय रॉय की पोस्ता राजबाड़ी विरासत में मिली। यहाँ हर तरफ ट्रक्स दिखेंगे और उसमें सामान भरा हुआ मिलेगा। यहाँ मैक्सिमम काम करने वाले या तो बिहार, झारखंड या फिर यूपी से होते हैं। नेशनल, इंटरनेशनल, जहां से भी बोले, हर जगह से यहां बड़े बड़े ट्रक्स में सामान आते हैं और फिर यहां से अपने लोकल एरिया में या आसपास के डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सर स्टुअर्ट हॉग मार्केट, जिसे अब न्यू मार्केट के नाम से जाना जाता है, जो कि इस प्लैनेट धर्मतल्ला में है। इसको ब्रिटिश पीरियड में तैयार किया गया था ताकि उस टाइम के रहने वाले जो भी ब्रिटिश थे वो यहाँ पर मार्केटिंग कर सके, और यहाँ पर ब्रिटिशर्स के कुछ क्वार्टर्स भी हुआ करते थे। यहाँ एक चर्च भी हुआ करता था जो अभी फिलहाल बुरे अवस्था में है। ये मार्केट बहुत ही बड़ा है और इस मार्केट में हर चीज मिलता है। होलसेल, रिटेल, हर प्रकार के दुकान यहाँ पर उपलब्ध है। और यहीं पर है सिम पार्क मॉल, जो कि पूरा अंडरग्राउंड है। ये है रास्ता नीचे जाने का। यहाँ इस मार्केट में आप काफी पुराने पुराने दुकान भी देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश के टाइम के भी बहुत सारे दुकान है जो आज भी बिल्कुल वैसे ही चलते हैं। और ये है मार्केट का मिडिल एरिया। यहाँ से आप जितने भी रो हैं आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं। अभी हम लोग घूम रहे हैं धर्मतल्ला के इस प्लेनेट के मार्केट में, और ये है फुटपाथ पर बड़ा सा मार्केट। यहाँ आपको फैंसी हर चीज मिल सकता है। कपड़े, जूते, बैग, बेल्ट, चश्मा, हर चीज आपको यहाँ पर फैंसी जो भी ट्रेंड में है वो हर चीज मिलेगा। आप जब आएंगे तब ये मार्केट ओपन रहता है। और इसके अपोजिट फुटपाथ पे आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर चीज आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही बड़ा मार्केट है और यहाँ पर सस्ते से सस्ता आपको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, जो भी है ब्रांडेड आइटम भी आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगा।
लेकिन हाँ, बार्गेनिंग करने की स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, वरना यहाँ से लूट कर आप चले जाएंगे। खाने पीने की भी दुकान यहाँ भरी पड़ी हुई है। स्टैंडर्ड भी आपको मिल जाएगा, लोकल भी मिल जाएगा, जैसा चाहे वैसा आप खा सकते हैं। और ये स्पाइडरमैन ऊपर से देखते रहता है कि कहीं कोई चोरी करके गायब तो नहीं हो रहा है, ऊपर से फिस फिस करके पकड़ भी लेता है ये कभी कभी। और अभी हम लोग फुटपाथ के अपोजिट साइड में आ गए हैं। ये है पूरा स्पोर्ट्स का मार्केट। यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर चीज आपको मिल जाएगा, ड्रेस हो, जर्सी हो, बैट बॉल, जो भी चाहिए आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड। इससे बड़ा मार्केट अभी तक यहाँ पर नहीं है। ये मार्केट फुटपाथ पर जितना बड़ा है उससे कई गुना ज्यादा अंदर में भी ये बहुत बड़ा ही मार्केट है। अभी यहाँ पर करंट नहीं है, बहुत अंधेरा है तो अंदर नहीं जा रहे हैं, बट यहाँ पर यहीं से आपको दिख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर स्पोर्ट्स रिलेटेड हर चीज मिल सकता है। ये है चीतपुर एरिया, गणेश टॉकीज के ओर आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर है जो मार्बल का सारा काम होता है। जिस तरफ भी देखेंगे आपको मार्बल का मूर्ति मंदिर यही सब बनता हुआ यहाँ दिखता है अंदर। तो चलिए आपको कारखाना में लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर मूर्ति बनता कैसे है। इसके लिए सबसे पहले ये इंतजाम करना पड़ेगा कि बहुत धूल यहाँ उड़ रहा है। फैक्ट्रीज में काम करने के बाद जो भी प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकालकर दुकानों पर रखा जाता है। ये फ्रूट्स का होलसेल मार्केट है, हर टाइप का फ्रूट्स यहाँ मिलेगा आपको एकदम सस्ते किफायती रेट पर। इतने नजदीक से सही बताया तो मछुआ मार्केट कभी नहीं देखे थे, बस सुने ही थे और रोड पे कुछ पोर्शन इसका बस उतना ही देखे थे आज तक। इतना बड़ा मार्केट है पता नहीं था, ये बहुत बड़ा मार्केट है यार। हर जगह मौसमी दिख रहा है, मैक्सिमम शायद सीजन अभी है मौसमी का, इसलिए मौसमी दिख रहा है। ट्रक्स भर के पूरा मौसमी है। ये मछुआ फ्रूट्स मार्केट एक्सपेक्टेशन से भी काफी बड़ा निकला, इतना बड़ा है ये कभी सोचा भी नहीं था। कॉलेज स्क्वायर एरिया में आपको एक और बड़ा मार्केट मिल जाएगा, कार्ड्स प्रिंटिंग का और स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स के दुकान यहाँ पर भर भर के हैं और कार्ड्स प्रिंटेड के दुकान यहाँ पे एक से एक आपको मिल जाएंगे। तो ये है वो जगह जहाँ लड़कों में क्रेज है, फैंसी मार्केट। अंदर चलते और आपको दिखाते हैं यहाँ का खास नजारा। फैंसी मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक सामान काफी सस्ते में और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ मिल जाते हैं और इसके ठीक बगल में है फाइव स्टार मार्केट, असली खजाना यहाँ है। चलिए आपको अंदर लेकर चलते और आपको दिखाते हैं यहाँ आखिर ऐसा है क्या। जैसा कि आप मेरे लेफ्ट राइट दोनों तरफ सिर्फ दुकानें ही दुकानें देख सकते हैं और यहाँ पर फैशनेबल प्रोडक्ट्स हर चीज यहाँ पर हमेशा आपको मिल जाएगा, वो चाहे कपड़ा हो, घड़ी हो, शूज हो, जो भी आपको फैशनेबल चीज चाहिए यहाँ पर एक से एक कपड़े मिलेंगे, एक से एक डिजाइन मिलेंगे, जो भी ट्रेंडिंग में ब्रांडेड चीज है वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और कम से कम दाम पर। बट बार्गेनिंग यहाँ पर बेजोड़ आपको करना पड़ेगा वरना लूट कर चले जाएंगे आप। आपका ही बना ले रहे हैं।
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up. तो ये था फैंसी मार्केट, ऊपर में और भी है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर और भी है, जहां पर आपको लेडीज के कपड़े भी मिल जाएंगे, बट यहां पर मैक्सिमम आपको लड़के ही हमेशा दिखेंगे। एमजी रोड क्रॉसिंग से लेके कॉलेज स्ट्रीट के क्रॉसिंग तक ये आपको बहुत सारे बैंड बाजा बारात वाले आपको दुकान दिखेंगे। कोलकाता में होने वाली शादियों में लगभग 80% बैंड बाजा यहीं से बुक की जाती है। अब हम लोग पहुंच गए हैं कोलकाता के बहुत ही फेमस मार्केट हाथी बागान मार्केट में। यह स्थान अपनी दुकानों, बाजारों, सिनेमा हॉलों और पुराने थिएटर के लिए लोकप्रिय है। कोलकाता में किसी अन्य स्थान पर हाथी बागान जितने सिनेमा और थिएटर हॉल नहीं है। यह इलाका शहर की कुछ बेहतरीन दुर्गा पूजा समितियों के लिए भी प्रसिद्ध है, जैसे कि हाथी बागान सर्वजनी और हाथी बागान नवीन पल्ली सबसे उल्लेखनीय है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नाम कैसे पड़ा, तो आपको बता दें कि हाथी का मतलब होता है हाथी, बागान का मतलब होता है बगीचा। 1756 में जब नवाब सिराज उद दौला ने कोलकाता पर हमला किया था, तब उनके हाथियों को यहाँ तैनात किया गया था और यहाँ बगीचे हुआ करते थे, तब से इस जगह का नाम हाथी बागान रखा गया। तो अभी हम लोग आ चुके हैं गरियाहाट मार्केट में। ये गरियाहाट क्रॉसिंग से ही स्टार्ट हो जाता है और ये यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं, तो वो सारे रास्तों में ये ऑलमोस्ट फैला हुआ है। काफी बड़ा मार्केट है, ये स्ट्रीट मार्केट है, तो स्ट्रीट मार्केट में जैसा भी सामान मिलता है वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, काफी कम दाम पे मिलेंगे, बार्गेनिंग आपको करना पड़ेगा। दुकानें यहाँ भर भर के है, ब्रांडेड दुकान भी है और आपके स्ट्रीट मार्केट भी है, दोनों मिक्स है यहाँ पर। तो आप अपने हिसाब से इस मार्केट को घूम के अपने चीज सामान जो भी आप ले सकते हैं। यहाँ आने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है बालीगंज जंक्शन और ये जो स्टॉपिज है ये गरियाहाट क्रॉसिंग है। आप गाड़ी के थ्रू, कैब के थ्रू, बस के थ्रू भी यहाँ पर इजिली आ सकते हैं।